रुपए प्रत्येक स्टूडेंट से यहाँ पर लिए गए हैं। 1200 रुपए में 1200 रुपए दिए गए हैं स्लीपर का। स्लीपर में जिस हिसाब का वो स्लीपर था उसमें दो लोग आसानी से सो नहीं सकते थे, जबकि दो लोग उसमें लेट के आए। 2400 रुपए ले रहे, छोटी सी सीट, थोड़ी सी असुविधा जरूर हुई क्योंकि टिकट काफी हाई रेंज था। इतनी दूरी के लिए दोस्तों यार टिकट निर्धारित करना बेकार है कि स्टूडेंट से इतना रुपए वसूला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप मैं हूं आपके साथ केशव शर्मा और इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश के सीधी में, जहां पर पीईवी द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर स्टूडेंट आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यह सीधी का बस स्टैंड बना हुआ है, जो मेन बस स्टैंड है। यहीं से लगभग सभी एग्जाम सेंटर की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़, जो तमाम हिस्सों से आए हुए हैं और यहाँ पर एग्जामिनेशन देने के लिए उन्हें सेंटर आवंटित किए गए हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा अधिकतर स्टूडेंट के सीधी सेंटर का सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी उनकी आने वाली परीक्षा की तैयारी है और किस तरह से वो यहाँ पर आए, उन्हें आने में कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस बार जो सेंटर बना हुआ था वो अपने क्षेत्र से काफ़ी दूर था और डायरेक्टली यहाँ पर आने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। यहाँ पर टुकड़ों में बच्चों को आना पड़ता है या फिर उनके द्वारा यहाँ पर डायरेक्टली सीधी आना पड़ता है। तो जानेंगे कि किस तरह कौन किस रूट से वो आए और कितने समय पर उनकी बस थी और कितने समय में यहाँ पर उनको बस ने पहुँचाया, सभी बातें हम स्टूडेंट्स के जानेंगे। तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट से बात करवाऊँगा कि कैसा रहा उनका एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम के बाद जो उनका रिव्यू रहेगा उन आप लोगों तक उसका भी मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहें हमारे साथ। लोग हैं जो काफ़ी विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर आए हुए हैं परीक्षा देने के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का यहां पर आयोजन किया जा रहा है और हम बात करेंगे इन स्टूडेंट से कैसी उनकी तैयारी है और किस तरह से वो यहां पर आए। यहां पर आने में कोई असुविधा उनको नहीं हुई क्योंकि डायरेक्टली यहां के लिए कोई ट्रेन नहीं है, उन्हें बस के द्वारा ही यहां पर डायरेक्टली आना पड़ा। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका। शुभ नाम? नमस्कार, अजय राजावत। आप कहाँ से आए हुए हो? भिंड जिले से। आपका प्रथम बार सीधी में सेंटर पड़ा हुआ है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल पहले मतलब ये क्या है कि मतलब डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है जी। हाँ, तो उसके लिए फिर हमने भिंड से ग्वालियर के लिए बस से आए जी, फिर ग्वालियर से डायरेक्ट यहाँ के लिए बस थी जी। हाँ, तो यहाँ आराम से ग्वालियर से आप बैठे यहाँ के लिए आप आए डायरेक्टली, कोई आपको इसमें कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, कोई असुविधा नहीं, आराम से आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी तैयारी कैसी है आने वाले परीक्षा के लिए? तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी है। बेस्ट ऑफ लक भाई साहब, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शुभ नाम अनमोल लटोरिया, मैं दतिया से आया हूँ। दतिया से आए हुए, आप भी डायरेक्ट बस से ही आए हुए हो यहाँ पे? क्योंकि बस का समय क्या है, ग्वालियर से बनती है तो वो दतिया बोर्डिंग डाल दिया था, दतिया से मिल गई थी बस। और ट्रेन काफी लेट चल रही थी, लगभग 4 घंटे तक ट्रेन का समय लेट चल रही थी। ट्रेन तो डिले हो सकती थी या फिर यहाँ पर आने में बहुत परेशानी स्टूडेंट्स को आती, इसलिए उन्होंने बस का चयन किया। ग्वालियर से लगभग 3 बस संचालित, जो डायरेक्टली सीधे के लिए संचालित थी और तीनों बस संचालित हैं प्रॉपरली। यहाँ से जाने के लिए भी उन्हीं तीनों बस का साधन, लेकिन किराया हालांकि ज्यादा था। ऐसा आपको किराया ज्यादा है? हाँ, किराया 700 रुपए प्रत्येक स्टूडेंट से यहाँ पर लिए गए हैं। 1200 रुपए में 1200 रुपए दिए गए हैं सीटिंग का। स्लीपर में जिस हिसाब का वो स्लीपर था उसमें दो लोग आसानी से सो नहीं सकते थे, जबकि दो लोग उसमें लेट के आए। 2400 रुपए ले रहे, एक छोटी सी सीट, थोड़ी सी असुविधा जरूर हुई क्योंकि टिकट काफी हाई रेंज था। इतनी दूरी के लिए दोस्तों यार टिकट निर्धारित करना बेकार है कि स्टूडेंट से इतना रुपए वसूला जा रहा है, कुछ तो लोगों को सोचना चाहिए। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो कहाँ से आए हुए हो आप? मैं आगरा से आया हुआ हूँ। आप एग्जाम दिलाने के लिए? दिलाने के लिए आया था, मेरा बेटा आया जी, उसको एग्जाम। आपको आगरा से यहाँ तक आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? असुविधाएं तो होती ही है, खैर ट्रेन से आए थे हम लोग। तो ट्रेन से आपको डायरेक्टली ट्रेन सतना आए थे, सतना से फिर रीवा आए, रीवा से फिर इधर आए सीधी जी, जी। अभी उसका 12 बजे से पेपर है। किस कॉलेज में है पेपर? श्री गणेश। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर होगा कम से कम। ठीक है, इसका पेपर है बच्चे का? बच्चा। कैसी तैयारी है छोटी तेरी? बढ़िया है, बढ़िया तैयारी है। एमबी बोर्ड से कहाँ से पढ़े हो? दतिया। दतिया से पढ़े हो, दतिया में ही पे रहते हो आप? नहीं, हम अलग से। अच्छा अच्छा, ठीक है।